दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। सो दोस्तों, अभी मैं काम ख़त्म करके अपने रूम पे आया हूँ हॉस्टल में, जैसे कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों, मैंने जो पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि हमारा स्टेट जो त्रिपुरा है वहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन लगने वाला है, तो दोस्तों जो मैंने प्रिडिक्ट किया था वही हुआ। यहाँ पे अभी दोस्तों डे कर्फ्यू भी लग चुका है, सुबह के 5 बजे से दोस्तों पूरा कर्फ्यू है, तो सब कुछ बंद है। जो कुछ एसेंशियल है दोस्तों, जैसे मेडिसिन का शॉप और जो ग्रोसरीज है सिर्फ वही ओपन है। तो दोस्तों आप अपने घर पर सुरक्षित रहिए। और ये 14 डेज़ का लॉकडाउन लगा है दोस्तों, जो कर्फ्यू है वो लगा है 14 डेज़ का, तो 14 डेज़ तक सब कुछ बंद ही रहेगा हमारा स्टेट में। तो दोस्तों आप देखते हैं हम किस टॉपिक पे ब्लॉग बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी काम ख़त्म करके आया, तो अभी थोड़ा ब्लॉगिंग शूट करने का मन था, मैंने स्टेट ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो आप लोग देखते रहे इस वीडियो को। मैं अभी अपना हॉस्टल के टेरिस के ऊपर जाऊँगा, वहाँ पर जाके कुछ कॉन्टेंट बनाने का ट्राई करूँगा। तो तब तक आप इस चैनल को देखते रहिए और इस वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए चलते टेरिस के ऊपर। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं टेरेस के ऊपर, हम मतलब मैं, मेरा कैमरा और आप लोग, कोई जस्ट मत कर देना हम किसको बोल रहे हैं करके। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कोविड-19 जो वैक्सीन है वो मुझे या हम सबको लेना चाहिए कि नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये डाउट जो है वो रहता है कि एक बार कोविड इन्फेक्शन होने के बाद जो वैक्सीन है वो लेना ज़रूरी है कि नहीं होता दोस्तों। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज आप इस वीडियो को देखते रहिए, इस वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा कि आपको वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं चाहिए दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मुझे कोविड इन्फेक्शन हुआ था पिछले साल। तो दोस्तों तकरीबन मुझे अभी जब मुझे कोविड इन्फेक्शन हुआ था दोस्तों, मुझे कम से कम 6 महीने ऑलरेडी हो चुका है। तो दोस्तों ये बात मेरे दिमाग में था कि कोविड, एक बार इन्फेक्शन होने के बाद कोविड वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए दोस्तों। तो इसका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के जरिए। तो दोस्तों क्या है कि एक बार कोविड इन्फेक्शन के बाद क्या होता है, आपके शरीर में जो इम्यून सिस्टम होता है वो ऑलरेडी एंटीबॉडी फॉर्म कर लेता है दोस्तों। तो वंस यू आर इन्फेक्टेड विद कोविड-19, देन उसका जो एंटीबॉडी है वो आपके शरीर में प्रोड्यूस हो जाता है दोस्तों। अभी बात ये है कि जो एंटीबॉडी है जो आपको कोविड-19 जो वायरस है उसके खिलाफ आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो कितना देर तक आपके शरीर में रहेगा दोस्तों, क्योंकि उस एंटीबॉडी का भी लाइफ होगा और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो जो एंटीबॉडी है उसका भी लाइफ ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तब उसका लेवल जो है हमारा शरीर में से वो उसका कम होना शुरू हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो काफ़ी स्टडीज़ किया है, तो जो मेडिकल रिसर्च होते हैं दोस्तों उसमें जाना गया है कि ये जो कोविड-19 एक बार होने के बाद जो ऑटोमेटिकली जो नेचुरल इम्यून सिस्टम की मदद से जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है वो 3 महीने तक ही रहते हैं दोस्तों। 3 महीने के बाद उसका जो लेवल है वो धीरे धीरे फॉल होना शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है, एक बार कोविड इन्फेक्शन के बाद, ये बात तो अभी क्लियर है कि जो इम्यून सिस्टम है, जो एंटीबॉडी है वो आपको आपके शरीर में 3 महीने तक दोस्तों एक पर्टिकुलर लेवल में जो मेंटेन होगा, जहाँ तक वो नया अगर इन्फेक्शन हो तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 3 महीने के बाद जब उसका एंटीबॉडी लेवल धीरे धीरे कम होता जाएगा, तब आपका जो इन्फेक्शन और डिजीज़ का चांस है वो बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 3 महीने तक आप मान सकते हो कि आप सेफ हो। अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ था जब आपको पहली बार इन्फेक्शन हुआ वो आपको बचा लेगा दोस्तों, वो उस डिजीज़ को इतना सीवियर नहीं होने देगा। तो दोस्तों अभी क्या है कि 3 महीने के बाद तो अगर आप फिर से रीएक्सपोजर होते हो, फिर से आपको कोविड इन्फेक्शन होता है, रीइन्फेक्शन होता है, तब दोस्तों आपका हाई डिजीज़ होने का चांस, बहुत सीवियर डिजीज़ होने का चांस बहुत हाई रहेगा, क्योंकि तब आपके शरीर में वो एंटीबॉडी लेवल ऑलरेडी डाउन हो चुका है दोस्तों। तो इसीलिए हमको वैक्सीन लेना चाहिए अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हो गया हो, और 6 महीने के ऊपर मिनिमम टाइम दोस्तों 3 महीना है जो बोला जाता है रिसर्च में कि 3 महीने तक जो एंटीबॉडी लेवल है वो मेंटेन होता है। तो 3 महीने के बाद आपको वैक्सीन लेना चाहिए दोस्तों। अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हो भी गया हो तो 3 महीने के बाद इट इज़ मैंडेटरी यू शुड टेक कोविड-19 वैक्सीन। तो दोस्तों कोविड-19 वैक्सीन लेने से क्या होगा, वो भी दोस्तों सेम मैकेनिज्म में काम करते हैं। जैसे आपको इन्फेक्शन होने के बाद आपके शरीर में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ था, यहाँ भी दोस्तों जो इनएक्टिवेटेड जो पार्टिकल है वायरस का उसको हम इंजेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन। तो वैक्सीन फॉर्म में जो हम इनएक्टिवेटेड पार्टिकल जो मतलब उस वायरस का जो पोर्शन हम यूज़ करते हैं दोस्तों, वो आपके शरीर में जाके इम्यून सिस्टम को वो दोस्तों जगह देगा, फिर आपका फिर से वो एंटीबॉडी जो है कोविड-19 के खिलाफ जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है वो आपके शरीर में प्रोड्यूस होता है। और दोस्तों ये माना गया है कि रिसर्च में ये पाया गया कि ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा इस बार कोविड वैक्सीन लेने के बाद, वो कम से कम आपके शरीर में 6 महीने तक रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप ये मान के चल सकते हो कि अगर आपने कोविड वैक्सीन ले लिया हो तो दोस्तों 6 महीने तक आप कोविड-19 से प्रोटेक्टेड हो। अगर आपको इन्फेक्शन होता भी हो तो डिजीज़ इतना सीवियर नहीं होगा, क्योंकि वो वैक्सीन जो 6 महीने तक आपके शरीर में रहेगा वो नया जो वायरस जो इन्फेक्शन होता है वो उसको ख़त्म कर देगा दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए हमको वैक्सीन लेना काफ़ी ज़रूरी है,
तो आप अगर वैक्सीन लेते हो तो दोस्तों वैक्सीन जो है वो टू डोज में दिया जाता है। फर्स्ट डोज लेने के बाद सेकेंड डोज आपको 28 डेज बाद दिया जाएगा। तो दोस्तों जो सेकेंड डोज दिया जाता है वो भी बूस्टिंग का काम करता है, वो ऐसे इम्यून बूस्टर काम करता है दोस्तों, क्योंकि 28 दिन पहले आपका फर्स्ट डोज वैक्सीन देने के बाद जो इम्यून रिएक्शन होगा शरीर में, जिसकी वजह से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, फिर से उस इम्यून सिस्टम को फिर से रीएक्टिवेट करेगा। 28 डेज बाद आप जो बूस्टर डोज ले रहे हो, सेकेंड डोज ले रहे हो, उससे इम्यून सिस्टम दोबारा डोज से बूस्ट होगा। तो दोबारा बूस्ट होने की वजह से जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है वो कम से कम 6 महीने के लिए हमारे शरीर में रहेगा। तो अगर इस दौरान वैक्सीन लेने के बाद 6 महीने के दौरान अगर हमको फिर से रीइन्फेक्शन होता भी हो तो वो इसको दोस्तों ये जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में है वो फाइट करेगा उस नए वायरस से। तो दोस्तों इसलिए हमको वैक्सीन लेना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप आप समझ गए होंगे अभी ये वैक्सीन लेना क्यों इम्पोर्टेंट है। इवन आपको कॉपर इन्फेक्शन भी हो फिर भी आपको वैक्सीन लेना दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस बात को जाने और वो लोग भी वैक्सीन लें दोस्तों। तो दोस्तों बस इतना ही। अभी तो लॉकडाउन शुरू हो चुका है हमारे स्टेट में त्रिपुरा में, तो हम सब घर के अंदर ही है। आज से लॉकडाउन शुरू हुआ है दोस्तों, कर्फ्यू शुरू हुआ है जो 14 डेज के लिए दिया गया है त्रिपुरा में। तो अभी दोस्तों देखते हैं, तो हम मिलेंगे फिर से नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।